सर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले हमने आपको इमरजेंसी व्हीकल्स की एक वीडियो दिखाई थी, इमरजेंसी वाहन जो होते हैं। तो क्या मैं सर जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई इमरजेंसी व्हीकल रोड पे से आता है तो पब्लिक को उस टाइम क्या करना चाहिए या पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है उस टाइम? आपने कुछ देखा हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर कई बार मैंने जगह जगह एम्बुलेंस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, ये जो दो दो, दो चीजें जो है जब इनके जब हार्ड बचते हैं तो मेरे को पब्लिक अपने आप रास्ता छोड़ देती है और इनको फटाक गुजरने देती है। मैंने अक्सर देखा और जो खा करके तो फायर ब्रिगेड वो तो इसके जैसे आवाज़ सुनी गाड़ी तो वहाँ लेकिन यहाँ से रास्ता साफ हो जाएगा, वो एकदम शोर नहीं निकल जाएगी। बाबू भाई के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने भी देखा है कई बार कि एम्बुलेंस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, इनको जगह देते हैं और बहुत से ऐसे ढीठ लोग रहते हैं कि वो हटते ही नहीं, वो उनकी मनमानी करके ही देते हैं। मेरे हिसाब से उनको भी समझदारी दिखा के रास्ता देना चाहिए। सर इनके जो हॉर्न है, एम्बुलेंस हुआ, पुलिस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, इमरजेंसी वाहन, इनके हॉर्न से लोग जो है कि चौकन्ना हो जाते हैं, सहम जाते हैं और अपने आप को समेट लेते हैं, अपनी साइड में हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ कर दिया उन्होंने तो उनका तो कुछ जाएगा नहीं, अपने जाएगा, उनको सजा भी नहीं होगा, जो कुछ नुकसान होगा अपनी होगा। इसे समझदारी इसी में कुछ भी ऐसा मौका आ जाए तो इंसान को समझदारी दिखा के पांच मिनट दो मिनट के लिए साइड में हो जाए। कई बार ऐसा आया मौका को मेरे को एम्बुलेंस की जैसी आवाज आई तो सर मेरे मन में ये रहता है कि हो सकता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई मेरा परिजन हो, उसको क्योंकि अपनी जरा सी लापरवाही किसी के जिंदगी और मुश्किल को कारण बन सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले इनको इनकी आवाज सुनता हूँ और शायद खड़ा हो जाता हूँ, कभी नहीं निकल जाती, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में एम्बुलेंस का सायरन सुन के किस तरीके से लोग रोड पर रिएक्ट करते हैं। वैसे तो सर एक एक ही वीडियो है, हम किसी भी देश को जस्ट एक वीडियो से आंक नहीं सकते। नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा, अब ये वीडियो किसी ने बनाई है तो आइए इसको हम देखते हैं। बिल्कुल सर, अभी ऐसा अब उसमें बंदे देखते उसमें क्या है क्या नहीं है, तो अभी ये वीडियो हम जरूर देखना चाहेंगे। सर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या वजह बनी, क्योंकि सर अब हमारे हिंदुस्तान में सुगुड़ की आबादी तो सबका मिजाज एक तो हो नहीं सकता। सही, अब उस वक्त क्या कारण रहा होगा तो सर वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। सर बिल्कुल सर, और हर देश का अलग अलग राय होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत से लोग हट गए होंगे, बहुत से लोग नहीं हटे होंगे, लायक रहेगा देखने के बाद ही हमको पता चलेगा। चाइना का ही सामने वाले क्या नहीं हाथ कर दे रहे तुम लोग, रास्ता दो बात खत्म करो। देखो साइकिल वाले को दो घड़े रुक जाना था, कट मारने की जरूरत क्या है? ये देखो क्या है, मेरा बस चले नहीं, मैं तो पूरे ट्रैफिक जाम कर दूं उसके कारण, कि सब रुक जाए उसको निकालो पहले। हाँ यार क्या कर रहा है यार, समझदारी दिखाओ इसे मौके पे। बीच में है यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बीच वाली पट्टी साइड में तो हो सकती है ना, नहीं हो सकती,
जगह नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हाँ अब देखेंगे अपन क्या होता। हाँ तो दूर खसक जाएगी वो, उसको घुसना चाहिए अंदर की तरफ। करें कारे तो हाँ उसे घुसे घुसे कारे बाहर निकल गई। अरे बीच में फंसी एम्बुलेंस। अभी क्या अमेरिका में हर आदमी के पास गाड़ी है भैया? जब जब आपने अपने देख लो आपने हर गई अपने मनी अपने मनी अपने मनी हाले की वो साइकिलें भी चल रही है। देखो भाभी कितनी लंबी कर रहे हो कचरा लगे जब देख कर मैं तो यार ये बड़ो कर रहे हैं इसका तो वो समाधान ही नहीं है। वाश्या एक भी समाधान नहीं भी पीला पीला सिग्नल दिख रहा है मेरे को लगा हुआ। हाँ ये जब रुपए सब सही कितनी गाड़ियां हैं। अभी सिंगल को खुलेगा तो कर रहे हैं हीरो मुड़े कैसे यार वो रास्ता दे तो ना खैर कोशिश तो करना बेचारे वो लोग। सिंगल को मारा गोली भैया मेरे को तो मरीज की फिक्र हो रही है कहीं सही। हाँ बिल्कुल सही बोला वो और इसकी कैसे क्या हालत है अंदर इसको मालूम आगे आया तक आगे कोशिश तो करना ऐसी बात नहीं निकालने की उनकी भी हिम्मत को सहारा कार वालों की बेचारे लगे हैं जैसे तैसे करे क्या सिग्नल रुका हुआ लगे तो है जद्दोजहद तो कर रहा पर वो जगह नहीं है ना समस्या बहुत बड़ी है ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है सच यार। दिमाग में जो है कि मेरे एक बात घूम रही है मैंने इसको देख के। हाँ क्या जी सरकार को क्यों किसी भी देश की सरकार हो एक पट्टी छोड़ देना चाहिए उसके लिए। हाँ यार जब ऐसा मसला हो जाए तो पट्टी छोड़ देना चाहिए आवाज तो ऊपर पहले से आ जाती है। इतना चाहिए कि इमरजेंसी वाहन की पट्टी है तो साइड में होना पड़ेगा तुम्हारा जब नहीं है तब चला लो उसका निराकरण हो सकता है। समझता हूँ मरीज की जान बच सकती है दिक्कत नहीं है देखो जो मैं सलाम करता हूँ ना कि यंग को लोग कम है इसलिए सबसे बढ़िया काम कर रहा फिर भी जरा से दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत ही नहीं है चल रही गाड़ी बिल्कुल सही शॉट बहुत शानदार भैया बहुत शानदार है। ड्राइवर ने अपनी जान की बैगी पहुंचाना सामने वाले उसकी जान बच जाए अभी समस्या नहीं आया बिल्कुल। अब तो कोशिश है भैया कर सकते हैं कोशिश का मसला हो जान बचे नहीं बचे ऊपर वाले के हाथ में क्या कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब कोशिश करना है उनके हाथ में तो भैया सही है करते रहना चाहिए भाई। कोई परिजन अगर अपना करीबी हुआ और ऐसा कोई मसला हो जाए कि वक्त की कमी की वजह से मृत्यु हो गई तो बड़ा दुख होता है बड़ा दुख होता है क्योंकि अगर तुम बच जाते हैं तो अपनी जान बच सकती है यार वो तो जानो सबको ही यार एक दिन you've been picked up by this ambulance to pay a fee. ये बढ़िया काम कर रहे हैं। They have to give a card saying, "Hey, charge it to this card." Oh yeah, they actually have to, you know, find the 630 yen that's needed or something like that. You know, to go through or. Hey, yeah, you are paying that much. That's a nila band thing. अरे पुल साहू। इसमें नीला बंद था उसका।
अरे ऑटो रास्ता तो सामने वाले को समझता नहीं दिखाने का काम है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सलाम करता हूँ सब। हाँ ये बात तो देखी मैं, गाड़ी बहुत चलाना पड़ रही है। देख भैया से कोई कैसे छिपक के खड़े हो गए ना, उसके लिए बिल्कुल रास्ते किधर पे हो गए थे कि उसको आगे निकालो, आगे निकालो। हर जगह ऐसा करना चाहिए। हाँ यार लो बाबू, हर जगह कहीं भी हो पूरी दुनिया में। बहुत ट्रैफिक का क्या करोगे, कितना ट्रैफिक है, क्या कर लेंगे ट्रैफिक वाले बेचारे, करेंगे क्या, अभी फंस गया। पर देखो रफ्तार धीमी तो होनी है सिग्नल पे, क्या करे उसका बेचारे, कारण ही नहीं कुछ, कुछ तोड़ निकलना चाहिए सरकार को, पूरे देश की सरकार। तोड़ बताता हूँ सरकारी सुविधा के लिए, पट्टी दे दी जाए तो काम ही शानदार हो जाए, शानदार हो जाए। साहब वीडियो बाकी में हमने देखी अलग अलग देश के अलग अलग जगह के जगह होते हैं। सब ये सरसारी चीज देखने के बाद हम सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि सबसे ज्यादा समस्या ट्रैफिक की, क्योंकि वहाँ को गाड़ियाँ इतनी है कि पहुंचे बस। अब इसका हल ये कि या तो रोड को चौड़ा कर दिया जाए, या फिर जो गाड़ी क्या परमिशन कम दी जाए, तो ये समस्या का समाधान है, वरना कोई समाधान नहीं। बाबू ने समाधान दिया है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो जो एम्बुलेंस के अंदर मरीज वरीज बैठे हैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ कि उस पर क्या बेहतरी होगी, जो भी रास्ता दे रहे होगा उनको उनके जान में जान आ रही होगी, वो जहाँ अटके होंगे वो जल्दी पहुँचे, कब पहुँचेंगे। मरीज कोई भी हो, हर तरह का हो सकता है, अटैक वाला हो सकता है, पैरालाइज वाला हो सकता है, गर्भवती महिला हो सकती है, या एक्सीडेंट वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है मरीज, उस पर क्या बेहतरी होगी सोच रहा हूँ मैं। अब सर मैंने तो बताया आपको समाधान, पट्टी बना दो, अगर वो नहीं हो सकता तो सर हम पहले कई वीडियो देख चुके हैं कि इस तरह की कोई हवा में कारे चलने का जो है कि हमने पहले बहुत साल पहले देख चुके हैं, आपने दिखाई थी, तो इसे कुछ हेलीकॉप्टर इसे कुछ जो है कि एम्बुलेंस बनाते हैं कि हवा का हवा में निकल जाए सही, और जो है कि पता नहीं चले। हाँ साहब अभी मैं आपको मैं ये जो है गाना सुना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख के मेरे को ये गाने दिल के यारे मां